हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो कि नए इन्वेस्टर्स हैं, जो कि शेयर मार्केट में नए हैं, वो लोग ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स इस वीडियो में आपको रेकमेंड करने वाले हैं, जो कि आपको 2019 में बहुत अच्छा मुनाफा आ सकता है। और दूसरी बात है फ्रेंड्स कि मैं बहुत हार्ड वर्क करके ये वीडियोस बनाता हूँ, सो अगर आप एक लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो मेरे वीडियो आप देखने के बाद ही लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सो इस वीडियो में आपको एक बात बता दूं कि जो भी नए हैं शेयर मार्केट में, उनको म्यूचुअल फंड्स या फिर ETF में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शेयर मार्केट में अगर आप कोई भी शेयर्स खरीदते हो, तो अगर देखिए आपने एक ABC नाम का एक कंपनी खरीदा और आपने देखा कि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन क्या होगा, उसका रिजल्ट पूरा आता है और फिर आपका शेयर गिर जाता है। शेयर मार्केट में प्रिंसिपल है कि जब तक आपका कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तब तक आपका शेयर गिरता ही रहेगा। अब जो भी आप चीप शेयर सेलेक्ट कर लो, वो और भी चीपर बनता जाएगा अगर रिजल्ट ठीक से नहीं आएगा। सो जो भी नए हो शेयर मार्केट में, उनको म्यूचुअल फंड रूट्स अप्लाई करना चाहिए और उनको अच्छे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और ETF भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ETF में आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देना पड़ता है, सो इसलिए ETF भी अच्छा है। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ दो म्यूचुअल फंड्स और ETF भी। एक म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड, दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमस फंड। और ETF में SBI ETF सेंसेक्स है और रिलायंस बैंक 20 है EBQ है और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड पार्ट 22 ETF। ये भी ये ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो ये भी एक ETF है। HDFC स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखते हैं तो 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 16%, 2 ईयर्स में 19.7% और 1 ईयर में नेगेटिव में 10%, 1 मंथ का देखेंगे तो 2.9% अप है। सो जब भी आप डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान लेते हो, तो अगर आप से रेगुलर प्लान होंगे HDFC का, तो आपका एक्सपेंस रेशियो होगा 2.16, मतलब कि आपको हर साल 2.16 फंड मैनेजर आपसे लेगा। जबकि आप डायरेक्ट प्लान लोगे तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है, क्योंकि 0.71%, वो 1.45% चेंज आया है, कितना 1.45%। वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपके ब्रोकर्स हैं वो लोग वो चार्ज म्यूचुअल फंड्स उनको पे करती है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो में वेरी ना आता है। सो अभी तो बहुत सारे डायरेक्ट प्लान्स आए हैं, अगर आप चाहे तो जीरोदा एक अकाउंट में ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा फ्रेंड्स, उससे भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और रिस्कोमीटर भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अब जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, देखो रिस्कोमीटर में अगर आप मीन देखेंगे तो इसका इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI इंडेक्स है फंड। मीन देखे तो मीन हमेशा हाई होना चाहिए, देखिए मीन है 16.5, वेरस इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI का है 8.62। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है, वॉलेटिलिटी लो होना चाहिए, 18.2% है, इंडेक्स का है 25.5। शार्प रेशियो भी हमेशा हाई होना चाहिए, 0.56 है और
इंडेक्स का 0.09 शॉर्ट टर्म रेशियो भी हाई है, मीन्स बैड टाइम्स में कैसा फंड परफॉर्म करता है शॉर्ट टर्म रेशियो, सो वो भी हाई होना चाहिए वैल्यू, जो कि 0.75 है। और फिर इंडेक्स का है 0.12, बीटा भी हमेशा 1 से कम होना चाहिए, और 0.76 है इंडेक्स का, 0.76 है। अल्फा मींस कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, 8.62 है, इंडेक्स 2.54 है। अगर आप रैंकिंग भी देखेंगे तो ये अच्छा रैंकिंग है इस फंड का। देखिए अगर आप 1 ईयर का रैंकिंग देखेंगे तो 2 है रैंक स्मॉल कैप में, 3 इयर्स का रैंकिंग देखेंगे तो 2 है फ्रेंड्स। सो ये अच्छा फंड है क्योंकि ऑलमोस्ट 5 पैरामीटर्स हमने देखा है रिस्कोमीटर में, 5 पैरामीटर्स के 5 पैरामीटर्स अच्छे हैं। इस तरह के फंड्स में क्या होता है कि ये इंडेक्स को बहुत कंफर्टेबली बीट कर देते हैं, सो आपको इस तरह के फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। ये दूसरा फंड है, ये कि बहुत ही पुराना फंड है लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और ये मेनली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। ये फंड ने भी लार्ज कैप का फंड है, लार्ज प्राइमा फंड, ओके मिड कैप है शायद ये फंड। और अगर आप देखें 5 इयर्स में 21% है, 3 इयर्स 12% है, 2 इयर्स का 11 है, 1 ईयर में 10% है, सो नॉट बैड फंड है, लेकिन बहुत अच्छा फंड है मेरे में, ओल्ड फंड है लेकिन कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। सो उसका एक्सपेंस रेशियो हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट में 1.14% है, रेगुलर में 2.05% है। रिस्कोमीटर भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, रिस्कोमीटर है मीन है क्योंकि ये नेगेटिव है, 11.77 है, लेकिन निफ्टी मिड कैप फंड है ये मेनली 13.43, सो यहाँ ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका है 15.38, सो ये भी एक नेगेटिव है, शार्प रेशियो भी कम है, सो अल्फा। लेकिन ये फ्रैंकलिन मैंने देखा है इसका, ये ऑलमोस्ट ऑल द पैरामीटर्स हमको अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने 6 मंथ्स का डेटा लिया है उसमें ये फंड ने अच्छा परफॉर्म दिया है। देखिए 1 ईयर का 4.4% रिटर्न है, ये ETF है फ्रेंड्स, ये इसका मैंने लास्ट 6 मंथ्स का डेटा निकाला है और देखा था बहुत अच्छा फंड है, लेकिन ये इग्नोर कर दीजिए इसको मेटा। HDFC का आप वो बहुत ही अच्छा फंड है, मैं उसको 5 स्टार दूंगा और इसको तो 3 स्टार रेटिंग दूंगा फ्रेंड्स। ये ETF है फ्रेंड्स, ये ओनली ETF है सेंसेक्स का। ये लोग क्या करते हैं कि सेंसेक्स 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो ये बेसिकली एक इंडेक्स फंड की तरह ही है, लेकिन ETF है, ETF में आपको बेनिफिट ये मिलता है फ्रेंड्स कि आपको एक्सपेंस रेशियो कम होता है, आपको कम पैसे फंड मैनेजर को देना पड़ता है, सो यही है ETF का बेनिफिट। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन BTF का ड्रॉबैक ये है कि ETF में ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते। अगर आप कुछ ETF होते हैं जिसमें डे के 1000 रुपये भी नहीं चलते हैं, उस तरफ ETF में आपको अगर 10,000 एक दिन में खर्च होंगे तो प्राइस बहुत ऊपर परचेस कर देंगे और आप उस ETF में फंस जाओ। तो ETF का रिटर्न देखिए, 1 ईयर का है 4.4%, 2 ईयर्स का 18%, 3 ईयर्स का 15%, और ये और इस ETF में है वॉल्यूम अच्छा है, और ये ओनली ETF है फ्रेंड्स क्योंकि डिविडेंड पे करता है। 2017 में इसने 4 रुपीज का डिविडेंड पे किया है, 18 में इसने 12 रुपीज का डिविडेंड पे किया है फ्रेंड्स। ये कुछ फंड्स से मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ, ये है HDFC स्मॉल कैप फंड जो कि हमने डिस्कस किया था, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड भी अच्छा है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये है नैस्टेक का ETF है, इसका अभी वीडियो लंबा है इसलिए मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको इसका ये एक वीडियो है जिसमें हाउ टू बाई यूएस स्टॉक्स इन इंडिया
उसका वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस वीडियो में आप क्यों मैंने ये फंड यूज किया है उसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। सो यही था फ्रेंड्स इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो वॉच करने के लिए। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, बाय।